नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस विद अंकित में। दोस्तों हाजिर हूं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का जो सेट मैंने चलाया है उसका दूसरा सेट लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी लकी व्यूअर होंगे उनको ₹10 मिलेगा, तो मैं सबसे पहले उनका अनाउंसमेंट कर दूँ किनको ये मिल रहा है। तो समरजीत कुमार आपको सेलेक्ट किया गया है इस रिवॉर्ड के लिए, आपको ऑलरेडी मैसेज कर दिया गया, आप अपना डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, आपको ये रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, और दूसरी जो डिमांड आई है इम्प्रूवमेंट को लेकर कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देने के लिए इस सीरीज़ में, तो वो भी कर दिया जाएगा नेक्स्ट 2 से 3 वीडियो के अंदर में। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको मिल सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? देखिएगा, ठीक से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके आज कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। आई होप कि आपने इसमें आंसर टिक कर लिया होगा। चलिए देखिए, इसका सही आंसर होगा टेस्ला होगा। ठीक है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है टेस्ला और बेवर में, तो याद रखिएगा बेवर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ है। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम में जाकर सक्सेस विद अंकित सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी। अभी हाल ही में 1-2 घंटे पहले मैंने वहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 के जितनी भी क्वेश्चन है शिफ्ट वाइज मैंने शेयर कर दिया, जिनको भी डाउनलोड करना है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? ठीक है, तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। कभी भी किसी भी वर्ड में अगर रिलेटिव लगा हुआ हो, रिलेटिव, ठीक है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट कट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कौन सा है ऐसा, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब, कौन सा होगा? सापेक्षिक घनत्व इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध पदार्थ है? इट मीन्स कि शुद्ध पदार्थ है प्योर, चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। आई होप कि आपने आंसर टिक कर लिया है। देखिए इसका सही आंसर कौन सा है, मीथेन है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या नहीं, इसलिए मैंने ये कटआउट लगाया यहाँ पे, देख लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी में 24/9, इट मीन्स कि सितंबर का क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2018 में शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 4, निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु, दूध, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है दोस्तों, तो आप इसका आंसर लगा दे सकते हैं पानी में चीनी का घोल। ओके चलिए, अब आपके लिए आज का जो रिवार्ड वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके एंड्रोलॉजी, एराफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है एराफोलॉजी। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका, देख लीजिए। एराफोलॉजी इज कनेक्टेड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉयल्स ऑन लिविंग थिंग्स, पार्टिकुलरली प्लांट्स। इट इज वन ऑफ टू मेन डिविजन्स ऑफ सॉयल। आपको पता होगा सॉयल का अध्ययन होता है पेडालॉजी भी बोलते हैं हम लोग, और उसी के अंदर का आता है एराफोलॉजी। ओके, तो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन आप ये पढ़ लीजिएगा। अगर इसको लाइन बाय लाइन अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, और पीडीएफ में आपको ऑलरेडी ये मिल जाता है। चलिए, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? ये पहला पूछ रहे हैं, दूसरा नहीं। ठीक है, 1972, 73, 74, 75, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 74 है। ओके चलिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इंडिया इज ऑब्जर्विंग 47th एनिवर्सरी, इट मीन्स कि इस बार जो हुआ है वो कितना नंबर एनिवर्सरी था इसका, 47 था, ऑफ इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन राजस्थान, पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। इट मेड इंडिया न्यूक्लियर पावर। द टेस्ट वॉज कंडेम, सॉरी, द टेस्ट वॉज कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ये याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्माइलिंग बुद्धा क्या है, तो पोखरण में पहला न्यूक्लियर परीक्षण जो हुआ था उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, और डेट क्लियरली याद रखिएगा 18 मई 1974। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ है? आईआईटी दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर। अगर इसमें एक ऑप्शन आईआईटी रुड़की देते तो बहुत सारे लोग इसका आईआईटी रुड़की आंसर मारते, जो कि गलत है। इसका सही आंसर आईआईटी खड़गपुर। चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, देखिए कितना क्लियर हो जाएगा अभी आपको। ये देखिए आपको क्लियरली लिखा हुआ है फाउंडेड और एस्टैब्लिश्ड एज आईआईटी, ठीक है, दोनों बातों में अंतर समझिएगा। देखिए आईआईटी रुड़की का जो स्थापना 1847 में कर दिया गया था, बट उसको आईआईटी की मान्यता 2001 में मिली है। आईआईटी खड़गपुर है 1951 में ही बना है और 1951 में ही उसको आईआईटी की मान्यता मिली है, 1951 में। तो सबसे पुराना कौन सा है? आईआईटी खड़गपुर है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, देन मद्रास है, कानपुर है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, रुड़की है। इसके अलावा और भी आईआईटी हैं, बट यही दो चार सात आईआईटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऋग्वेद। चलिए सही आंसर ऋग्वेद होगा, देख लीजिए यहाँ पे। ये भी आरआरबी ग्रुप डी के शिफ्ट वन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्लियरली देखिए कुछ चीजें हैं जो मेंशन की हुई है। इसमें 10 मंडल है, 1,2800 सूक्त हैं, ठीक है। ये पूछता है कि कितने श्लोक है ऋग्वेद में, 1,028, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको एक और इसमें ट्रिक भी बता देता हूँ, देख लीजिए। अथर्ववेद नहीं लग रहा है कि मतलब कि कुछ मतलब कि अनर्थ जैसा है, अथर्व अनर्थ, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली कह रहा है जादुई अनुष्ठान, ठीक है, किसी पर आप ब्लैक मैजिक करते हैं तो अनर्थ ही कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको याद रह सकता है कि इसका सही आंसर क्या है, अथर्ववेद, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था, मतलब किसने कहा था कि हमारा एक संविधान सभा होना चाहिए? सी जी रॉय, एम एन रॉय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या होगा? एम एन रॉय, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इट मीन्स कि सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए गए हैं, जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947, ओके। देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, या पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर, पॉज करके। मैं आगे दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है, कितना डिग्री मिनट का कोण है? इसका सही आंसर है 32, ठीक है, 32 डिग्री मिनट। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में लिखने के लिए कहा था कौन सा, ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है कि 32 डिग्री मिनट के कोण पर होता है। इसका भी आपको जो भी पता है इसके बारे में, इस क्वेश्चन का, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी लकी व्यूअर होंगे उनका अनाउंसमेंट कल कर दिया जाएगा, ओके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा करेंट अफेयर सेक्शन का क्वेश्चन है। 100 बिलियन डॉलर के बाजारी पूंजीकरण को प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय कंपनी कौन सा है? इट मीन्स कि तीन कंपनी ऑलरेडी है, ये फोर्थ कंपनी है, ओके। इसका सही आंसर बताइए, ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? इन्फोसिस। चलिए मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, इन्फोसिस। देखिए क्लियरली लिखा हुआ, इन्फोसिस हिट्स 100 बिलियन डॉलर एम कैप, एम कैप मतलब वो मार्केट कैप, फोर्थ इंडियन फर्म टू रीच माइलस्टोन। इसके पहले तीन कौन कौन है? टीसीएस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं। चौथा कौन है? इन्फोसिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुजलम अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, सुजलम, इसमें जल आ रहा है, कौन सा मंत्रालय होना चाहिए? जल शक्ति मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्चेस सुजलम कैंपेन, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं ब्रिक्स वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? राजनाथ सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने, अजीत डोभाल ने, नरेंद्र मोदी ने। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, अजीत डोभाल। चलिए देख लीजिए, अजीत डोभाल चेयर्स 11th ब्रिक्स एनएसए वर्चुअल मीटिंग, ओके। ये आपको यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ 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 अपने जो भी सुझाव है, कोई इंप्रूवमेंट है, आपने कहा है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए, तो आने वाले 2-3 सेट की वीडियो में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं 15 से 20 कर दूंगा, फिर 25-30 ऐसे ही इसमें क्वेश्चंस मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे उनका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपको जो भी लकी व्यूअर होंगे
उनको मैं कल अनाउंसमेंट करके पैसे भेज दूंगा उनके अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।